मकर संक्रांति के मौके पर सोना खरीदने का अच्छा मौका है। सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की नई सीरीज लॉन्च कर रही है, जिसमें लोग 14 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक पैसा लगा सकते हैं। इस दौरान कोई भी व्यक्ति 3,214 रुपए प्रति ग्राम सोना खरीद सकता है। सॉवरेन गोल्ड स्कीम 2018-19 सीरीज के लिए ऑनलाइन आवेदन और भुगतान करने वाले निवेशकों को 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट दी गई है। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2018-19 की पांचवी सीरीज है। स्कीम की मैच्योरिटी 8 साल की है। किसी भी व्यक्ति के पास इस बॉन्ड को रखने के दो विकल्प होते हैं। निवेशक अपने बॉन्ड को किसी दूसरे व्यक्ति को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बशर्ते वह स्कीम की शर्तों को पूरा करता हो। अगर वो समय से पहले बॉन्ड से बाहर निकलना चाहते हो तो कम से कम 5 साल बीतने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। इन बॉन्ड की बिक्री बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, चुने गए डाकघरों और स्टॉक एक्सचेंज के जरिए कर सकते हैं। इस स्कीम का सबसे छोटा बॉन्ड 1 ग्राम के सोने के बराबर होगा। कोई भी व्यक्ति 1 साल में ज्यादा से ज्यादा 500 ग्राम सोने का बॉन्ड खरीद सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मोदी सरकार की योजना है, जिसके तहत फिजिकल फॉर्म के बजाय सोना डीमैट या पेपर फॉर्मेट में खरीदा जाता है। इसकी वैल्यू 24 कैरेट गोल्ड के लिहाज से तय होती है। सरकार का मानना है कि इससे फिजिकल फॉर्म यानी ज्वेलरी बार कॉइन के रूप में सोना रखने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। सरकारी गोल्ड बॉन्ड योजना नवंबर 2015 में शुरू की गई थी। घर में सोना खरीदकर रखने की बजाय अगर कोई व्यक्ति सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करते हैं तो वो टैक्स भी बचा सकता है। इस योजना में सोने की सुरक्षा को लेकर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक सरकारी योजना है। ऐसे में सोने की शुद्धता की पूरी गारंटी होती है। बॉन्ड पर सालाना 2.5% ब्याज फिक्स किया गया है। ब्याज निवेशक के बैंक अकाउंट में हर 6 महीने पर क्रेडिट किया जाता है। अंतिम ब्याज मूलधन के साथ मैच्योरिटी पर दिया जाता है। मैच्योरिटी पीरियड 8 साल है, लेकिन 5 साल, 6 साल और 7 साल का भी विकल्प मौजूद है। इसका इस्तेमाल लोन लेने वाले के लिए जमानत के तौर पर किया जाता है। अगर सोने के बाजार मूल्य में गिरावट आती है तो कैपिटल लॉस का खतरा हो सकता है। तो इस मकर संक्रांति सोने में निवेश का एक अच्छा मौका मौजूद है।